बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें और जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज मैं लाई हूं आपके लिए आलू के सालन की रेसिपी, जो कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनने वाली है। तो आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, खा के आपको मज़ा आ जाएगा। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, ये टमाटर लिए हैं 4 अदद, और 4 अदद ही जो है वो मैंने प्याज लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है। और ये कसूरी मेथी है, ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ये जीरा है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये चिली फ्लेक्स हैं। कढ़ाई पर मैंने 1.5 कप ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। और सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, थोड़ी देर इसको भून लेंगे। और अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा पकाना है ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका कच्चापन दूर हो जाए। और यहाँ पर मैंने जो हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाला है। अब हम प्याज डालेंगे और इनको गोल्डन होने तक पका लेंगे। आप भी मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अब मैंने जो है कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है और इसमें डाले हैं आलू, इनको हम कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। हाफ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना आपने। बस इतना फ्राई करना है आपने। और ये देखें हमारा प्याज जो है वो गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। और 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक डाला है। और 1/2 चम्मच जो है वो सूख मिर्च पाउडर डाला है। 1/2 चम्मच हल्दी डाली है। तो मसाले जो हैं वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला हमारा जो है वो रेडी हो गया है। और अब हमने जो आलू फ्राई किए हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं हमारे ये आलू, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इनका कलर देखें कितना अच्छा है। और अब हम डालेंगे जो हमने 4 टमाटर का पेस्ट बना के रखा है वो। और इसकी अच्छी तरह से कर लेंगे भुनाई। और यहाँ पर मैंने डाली है कसूरी मेथी।
और अब हम इसको देंगे 5 से 10 मिनट के लिए दम, ताकि जो हमारे आलू हैं वो फुल गल जाएं। तो ये देखें 10 मिनट के बाद हमारे आलू का टेस्टी सालन जो है वो तैयार हो गया है और हमारे आलू भी गल गए हैं। कमेंट में आपने ज़रूर बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल नई वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।